गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। अपने वीडियो की शुरुआत इस प्यारे से गुलाब के पौधे से कर रही हूं फ्रेंड। तो आज का मेरा मेन टॉपिक है कि गुलाब के पौधे की पत्तियां जल गई हैं, उनका विकास नहीं हो रहा है, रुकी हुई ग्रोथ को कैसे ठीक की जाए। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगी कि गुलाब के पौधे की देखभाल कैसे की जाए कि वह अच्छे से ग्रोथ करे। तो देख सकते हैं कि मेरे पौधे कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, सबकी पत्तियां लाल हैं। अगर लाल होने का मतलब होता है कि पौधे पर न्यू ग्रोथ आई है। तो आप भी ऐसे ग्रोथ पाना चाहते हैं तो मैं एक ऐसा खाद लाई हूं आपके लिए जो आपके किचन से ही निकलता है, उसको डालेंगे तो मात्र 15 दिन में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो मानसून की शुरुआत हो चुकी है, उस खाद को आप डालेंगे तो आपका पौधा बेहतर ग्रोथ लेकर आएगा और उस पर भर भर के कलियां और फूल आएंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कौन से प्लांट में मेरी प्रॉब्लम हुई है। तो बहुत से ऐसे फ्रेंड लोगों का मतलब शिकायत रहता है कि मेरे जो प्लांट की कलियाँ हैं वो जल जा रही हैं, या पौधे की पत्तियां जल जा रही हैं, पौधे का विकास रुक गया है, पौधे की ब्रांच ब्लैक हो जा रही हैं, पौधे का जो फूल है वो सही से नहीं खिल के आ रहा है, उसमें न्यू कोई भी ब्रांच नहीं निकल रहा, न्यू पत्तियां नहीं निकल रही हैं, मतलब जो भी पत्तियां हैं वो भी जल जा रही हैं। मतलब ये होता है कि पौधे का सही से विकास ही नहीं हो रहा है, उस पर कुछ भी नई गतिविधि नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी कार्य होते हैं जो करना होता है, क्योंकि जो गुलाब का पौधा होता है वह एक्स्ट्रा केयर मांगता है। क्योंकि गुलाब के पौधा जो होते हैं ना, उन्हें बिना अगर आप केयर नहीं करेंगे तो वह कभी अच्छे से विकास नहीं करेगा। तो देख सकते हैं यह मेरा गुलाब का पौधा है जो इस चिलचिलाती धूप में पड़ गया था, और ये इसकी हालत हो गई है कि इसकी पत्तियां पीली हो गई हैं, पत्तियां बर्न हो गई हैं, जल गई हैं, कलियों का साइज छोटा है, फूलों का साइज छोटा है, फूल अपने ओरिजिनल कलर में नहीं हैं। ढेर सारी समस्याएं इस मेरे फूल के पौधे पर हो गई हैं, और सबसे ज़्यादा कारण हुआ है कि जो इस समय भीषण गर्मियाँ पड़ी हैं तो उसके कारण और जल गया है। तो हमारे किचन से निकलने वाले खाद को मैं डालूंगी, वह खाद थोड़ा सा ठंडा होता है तो यह पौधे के लिए ज़्यादा सूट करेगा। तो जो जितनी समस्याएं हैं सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे पहले धूप की बात कर लें फ्रेंड, अगर अब चिलचिलाती धूप पड़ रही है, भीषण धूप पड़ रही है, आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो वहाँ रखिएगा इस पौधे को जहाँ 2 घंटे की सनलाइट आती हो, क्योंकि यह जो भीषण गर्मियाँ हैं यह 2 घंटे की सनलाइट इसके लिए काफ़ी है। आ नहीं तो ग्रीन नेट के नीचे रख देंगे तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। ये जो इंग्लिश गुलाब होते हैं थोड़ा सा बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, थोड़ा सा इनको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। तो या तो आप ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए, या नहीं तो आपके पास स्पेस हो तो वहाँ रख दीजिए जहाँ 2 घंटे की सनलाइट आती हो, बहुत अच्छे से चल जाएगा। वह 2 घंटे की सनलाइट इसके लिए काफ़ी होता है, उतना में इस पौधे को अच्छा खासा ऊर्जा मिल जाएगा, और ऊर्जा मिल जाएगा तो ये इसमें अच्छे से ग्रोथ करेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि उस पर कितना अच्छा से ग्रोथ हो रहा है, तो वही ग्रोथ पाने के लिए आपको ये सब काम करना ज़रूरी है। तो मैंने 2 घंटे की सनलाइट बता दिया, उसके बाद मिट्टी इसकी एक अच्छी वेलड्रेन तैयार करिएगा, क्योंकि वेलड्रेन मिट्टी में ही पौधे का उचित विकास होता है, ताकि जो भी पानी आप डालिए पानी छल के निकल जाए, पौधे में रुकना नहीं चाहिए। अगर पौधे में पानी रुका तो बहुत जल्दी पौधा ख़राब हो जाएगा, फंगस के अटैक में आ जाएगा, क्योंकि जो इंग्लिश गुलाब होता है बहुत जल्दी ही फंगस के अटैक में आ जाते हैं। तो फंगस के अटैक से बचाने के लिए मिट्टी भी अच्छी तैयार करनी पड़ेगी, मिट्टी में नमी मात्र रहे, बाकी उसमें पानी नहीं टिकना चाहिए। अगर कंटिन्यू पानी टिका रहेगा तो बहुत जल्दी मिट्टी में भी फंगस लग जाएंगे और प्लांट के ऊपर भी फंगस लग जाएंगे। अगर पत्तियां ज़्यादा सिकुड़ रही हैं तो ये समस्याएं हैं कि उस पर मतलब ये रेड मकड़ी का अटैक हो जाता है, तो उसके लिए आप 1 चम्मच ये फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे कर दीजिएगा। और पत्तियां पीली हो रही हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके मिट्टी में अधिक पानी रुक रहा है, तो जब भी पानी वगैरह दीजिए तो मिट्टी को चेक करके ही दीजिएगा, नहीं तो आपका पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और विकास नहीं करेगा। तो देख सकते हैं मेरे पौधे की क्या स्थिति हुई है, तो आज मैं इसमें खाद डालने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं पौधे की अच्छे से खुदाई करूँगी,
क्योंकि खुदाई बहुत ज़रूरी होती है। खुदाई करने से ये होता है मिट्टी ढीली हो जाती है, जो एक्स्ट्रा जड़ें होती हैं वह टूट जाती हैं। और उसके बाद काम क्या करना है कि मिट्टी की खुदाई करने के बाद जो भी इस प्लांट पर पीली पत्तियां हैं उसको आप तोड़ के निकाल दीजिएगा, या सूखी पत्तियां हों उसको तोड़ के निकाल दीजिएगा। पीली पत्तियां एक्स्ट्रा ऊर्जा ले लेती हैं और जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं वह प्लांट के जो होते हैं ना कि फंगस का काम करती हैं, जब वही बरसात में सड़ती हैं तो फंगस को दावत देती हैं, कीड़े मकोड़ों को दावत देती हैं। तो जो भी पीली पत्तियाँ हैं उसको हटा दीजिए, जो सूखी पत्तियां हैं उसको हटा दीजिए, जो फूल खिल चुके हैं उनको तोड़ के निकाल दीजिए। उसके बाद तभी खाद वगैरह डालेंगे तो प्रॉपर तरीके से खाद इस पौधे को सूट करेगा, नहीं तो सूट नहीं करेगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि मेरे पौधे पर कितनी अच्छी ग्रोथ हुई थी, उस वाले पौधे पर, इसी वाले पौधे पर मैं करने जा रही हूँ। अब कुछ दिन बाद मैं इसका अपडेट आपको दूँगी कि देखिएगा कितना खुल के इस पर ग्रोथ आया है। तो इतना आप काम करने के बाद तब उस खाद को डालेंगे। और एक काम और करिएगा कि इस पर अगर जो सूखी हुई ब्रांच होगी उसको भी कट करके निकाल दीजिएगा, क्योंकि सूखी हुई ब्रांच भी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जब हम खाद डालेंगे तो पौधा हमारा पूरा ऊर्जा पूरी ताकत लगा देगा अपने पौधे को विकास में लगाने के लिए। तो इतना काम कर लीजिएगा और मिट्टी भी अच्छी तैयार रखिएगा, क्योंकि अगर खाद डाल ही के क्या करेंगे कि मिट्टी उस अच्छी तैयार नहीं रहेगी। तो मिट्टी के लिए आप 50% बालू और 50% ये गार्डन की मिट्टी ले लीजिएगा, उसमें 20% करीब गोबर की खाद ले लीजिएगा, तब जाके इस पौधे की मिट्टी तैयार करिएगा, तब जाके वेल्डन मिट्टी तैयार होगी और उसमें आप कोई भी खाद वगैरह डालेंगे तो सूट करेगा। और समय समय पर इस पौधे की निराई गुड़ाई करते रहिएगा, नहीं निराई गुड़ाई करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी में भी सूर्य की रोशनी पड़नी बहुत ज़रूरी होती है। तो समझ लीजिए कि मिट्टी को भी सूर्य की रोशनी ज़रूरी होती है। चलिए तो खाद दिखाते हैं कि खाद क्या है। तो ये देख सकते हैं ये एक कटोरी से थोड़ा सा कम खाद है, तो ये 3 चम्मच के करीब मैंने ये खाद लिया है। इसका नाम है चाय पत्ती। आप चाय पत्ती को गुलाब में डालिएगा तो जो भी ज़रूरी पोषक तत्व हैं इस पौधे को मिल जाएगा और बहुत जल्दी मतलब इस पौधे का विकास होगा। न्यू इस पर ब्रांच आएंगी, न्यू ब्रांच आएगा तभी उस पर कलियाँ वगैरह आएंगी। तो आप गुलाब के पौधे में महीने में 2 बार 3 चम्मच 4 चम्मच के करीब 5 चम्मच के करीब डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। गमले के हिसाब से डालिएगा, गमला जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से डालिएगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टे फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। इसमें सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसमें जो भी प्लांट की मतलब कमियां हैं, जो पत्तियां जल रही हैं, कलियां जल रही हैं, पत्तियां बर्न हो रही हैं, फूलों का साइज सही नहीं है, ये सारी समस्याओं को ठीक कर देता है। तो ऐसे करके मैं चारों तरफ से मैंने मिला दिया है। मिलाने के बाद मैं इसको खुरपी से चारों तरफ से मिला दूँगी, हाथ से नहीं मिला रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि ये कटीला पेड़ है और हाथों में चुभ जा रहा है, उसके वजह से मैंने खुरपी से मिला दिया है। तो आप भी ऐसे खुरपी से ही मिलाइएगा, सावधानी से मिलाइएगा ताकि हाथों में ना चुभ पाए। उसके बाद इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी डाल देंगे। जब हम पर्याप्त मात्रा में पानी डालेंगे तो इसमें चाय पत्ती जाकर फूलेगा। जब फूलेगा तो अपना जो पोषक तत्व अपने अंदर समेट के रखा है उस पोषक तत्व को यह छोड़ेगा, छोड़ेगा तो इस पौधे को सूट करेगा, तब जाके पौधे पर अच्छे से विकास होगा। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं फ्रेंड, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।